if m raised to power n minus n raised to power m is equal to m plus n, and m comma n belongs to prime numbers, then that can be said about m and n. तो अगर हमारे पास में जो कंडीशन है वो है m raised to power n minus n raised to power m is equal to m plus n. तो अगर हम देखेंगे, एक चीज तो हमें समझ में आनी चाहिए, कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जब हम किसी इवन नंबर में से इवन नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में इवन नंबर आता है. अगर हम किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो ऑड नंबर आता है. अगर ऑड नंबर में से इवन नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो भी ऑड नंबर आता है, और ऑड नंबर में से अगर ऑड नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो ऑड नंबर आता है. ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखेंगे, हमें गिवन है कि प्राइम नंबर्स हैं, है ना, तो केवल एक ही केस है कि हमारे पास में m plus n क्या हो, ऑड हो, अगर हमारे पास में m और n में से कोई एक 2 है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास में ये वैल्यू, अगर m या n में से कोई एक ऑड है तो m plus n क्या हो जाएगा, हमारे पास में m plus n ऑड हो जाएगा, क्योंकि n को तो ऑड होना ही पड़ेगा तभी वो प्राइम नंबर हो सकता है, तो ये नंबर ऑड हो गया. अब दो केस हो सकते हैं, m plus n ऑड है और एक नंबर इवन है, तो आइदर m इवन है या फिर n इवन है, और अगर मुझे सम ऑड चाहिए तो एक नंबर को मेरा इवन होना पड़ेगा और एक को ऑड होना पड़ेगा, इस केस के लिए. ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, हमारे पास में अगर m कॉमा n दोनों में ही क्या है, 2 नहीं है. ठीक है, दोनों ही 2 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है m भी ऑड होगा n भी ऑड होगा उस केस के लिए, तो m भी आ जाएगा ऑड और n भी हो जाएगा ऑड. लेकिन अगर m भी ऑड हो गया n भी ऑड हो गया, है ना, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास में इवन होगा और m plus n भी इवन होगा. लेकिन क्या ऐसी कोई वैल्यू है भी जो इसे सेटिस्फाई करेगी, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो m और n की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है वो सिर्फ क्या होती है, 2 raised to power 5 minus 5 raised to power 2 is equal to 2 plus 5. तो इसमें एक वैल्यू हमारी 2 के इक्वल होती है और एक वैल्यू 5 के इक्वल होती है, तो आ जाएगा क्या हमारे पास में, m is even and n is odd. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3.